नमस्कार, धर्म टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राधा अष्टमी की। यह राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए राधा जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। बिना राधा जी के भक्ति के श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। राधा का नाम कृष्ण के पहले आता है। इस दिन यदि हम भक्ति भाव से राधा जी की भक्ति करें तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा भक्ति है, राधा माता है। राधा नाम संसार के हर दुखों को हरने वाला है। आइए जानते हैं राधाष्टमी को सुख समृद्धि प्राप्त करने के उपाय। इस दिन पूजा घर में राधा कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार करके भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। समूह में संकीर्तन आत्मिक सुख के साथ साथ मनोवांछित मनोकामनाओं की प्राप्ति भी करवाता है। राधाष्टमी के दिन श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। आज इस पुस्तक के अकेले पाठ का कोई फल तभी प्राप्त होगा जब साथ में आप श्री सूक्त का भी पाठ करेंगे, क्योंकि यही दोनों पूजाएं मिलकर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगी। आज के दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। गीता का ज्ञान आत्मसात करने से जीवन में श्री कृष्ण कृपा प्राप्त होती है तथा अंत में श्री कृष्ण के धाम में स्थान मिलता है। आज के दिन श्रीमद् भागवत का कुछ श्रवण या वाचन कर ले तो बेहतर है। प्रेम गीत तथा नृत्य ही राधा तथा कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का सबसे सहज तथा सरल मार्ग है। अतः भक्ति गीतों को गाए, नृत्य करिए तथा पूरे वातावरण को कृष्ण भक्ति में रंगिए। इस दिन किसी पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करने का संकल्प ले, इससे जीवन में कभी कमी नहीं आएगी तथा खूब संपन्नता आएगी। आज के दिन दान का बहुत महत्व है। भंडारा कराए तथा सब लोग प्रसाद पाए। ऐसा करने से आपके कई जन्मों के पापों का नाश होगा तथा पुण्य की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।